बार जिसका जिक्र कर रहे थे कि नजदीक से गेंद करेंगे तो ज्यादा स्विंग मिलेगा, और इस बार गेंद उछाल ली, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर को कोई दिक्कत नहीं हुई कैच पकड़ने में, और पहला झटका यहां पर बिहार को लग गया। और इस बार उठाने की कोशिश की, देखना है कि कैच होता है अथवा नहीं, बिकॉज बहुत ही जबरदस्त कैच, ऐसा कैच जिसको आप बरसों तक याद रखना चाहेंगे। मैदान पर पीछे जाकर धवल कुलकर्णी ने यह कैच किया, प्रशंसा करनी होगी, जितना मुश्किल कैच था ये आप 100 में से 95 बार इस कैच को ड्रॉप करेंगे, लेकिन पीछे भागते हुए जिस तरह से कैच लिया बहुत ही मुश्किल होता है। ये दूसरा विकेट अब गिर गया है, 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर, विजय भारती 4 रन पर आउट, कल कुलकर्णी बोल्ड देश पांडे। ये बहुत ही जबरदस्त विकेट, और बिहार की हालत नाजुक हो गई है, तीसरा विकेट खो दिया है। Puts his shoulder onto that. This time wrapped in the pad, confident appeal, but this time the umpire will uphold that one, and up goes the finger of the umpire there, Patwardhan, and Keshav Kumar will have to walk back. Where was the ball pitching? Right on the stump line, and he was caught in the crease, squared up, and no question about the ball not hitting the wicket on this occasion. Almost well pitched up to the batsman. He was completely playing offline and trying to play outside the line of the ball, and the ball coming into him, the off cutter trapping in front of the wicket. फिर से फ्लाइट, लेकिन इस बार अक्रॉस टाइम खेलने की कोशिश की, और अब मानो जैसे कहने चाहिए विकेट अपना थ्रो कर दिया, और पहली सफलता मुलानी को मिल गई, और पांचवां झटका लग गया बिहार को। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, फ्लाइटेड गेंद थी, और लाइन बॉल की कहीं पूरी तरह मिस कर गए, और यहां पर अपना विकेट गवा बैठे राज। कोई जरूरत नहीं थी इस समय शॉट को खेलने की, मेरे को लगता है कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी यहां पर रोहित राज द्वारा। ये बढ़िया गेंद थी और आउट, जैसे ही ड्राइव करने की कोशिश की थी गेंद काफी स्पिन हुई बैट के बाहरी किनारे से लगकर सीधी स्लिप की तरफ, लेकिन स्लिप में बहुत ही खूबसूरती के साथ बाएं तरफ डाइव करते हुए कैच लिया, और मुंबई की फील्डिंग प्रशंसा करनी होगी। और यहां पर रन लेना चाहते थे, जोखिम भरा रन हो सकता था, लेकिन खतरा यहां पर टला नहीं, और एक और झटका लग गया रन आउट के रूप में। क्रीज के कोने से गेंद की थी, स्ट्रोक तो ठीक ही था, ऑन साइड में खेला था स्क्वायर लेग पर, और सीधा ये देखिए किस तरह से आराम के साथ रन आउट हो गए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीका, पहले ही आप मुसीबत में हैं, उसके बावजूद आप इस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से खेलेंगे। 18 रन पर खेल रहे थे, एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जो टिकने की क्षमता दिखा रहे थे वो रन आउट हो गए। और ये उठाकर खेलने की कोशिश की, सीधा मिडल पर कैच के रूप में और आउट। उठाकर खेलने की कोशिश, अलग हटने की कोशिश की थी लेग साइड में, लेकिन गेंद लगभग पीछा ही कर रही थी, और जैसे ही गेंद को उठाने की कोशिश की समर ने, कादरी आउट हो गए। कप्तान जयेश अय्यर गेंदबाजी कर रहे हैं, और यहां पर गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि एक आधे विकेट वो अपने नाम भी कर ले, और वो हो गया, गेंद पड़ने का लगभग सीधा रहा, और बल्ला हटाए तो सिर्फ तब तक गेंद बल्ले का बाहरी किनारा ले गई, और एक और यहां पर विकेट गिर गया, और उदय सिंह 7 रन बनाकर आउट हुए। और इस बार स्वीप करने की कोशिश की थी और बोल्ड, एक बार फिर से देखते हैं क्रीज के कोने से ये गेंद की थी, और ये पैरों में टकराने के बाद स्टंप पर लग गई, और उस तरह 69 रन पर पूरी टीम बिखर गई। आशुतोष अमन 7 रन बनाकर आउट हुए।